Okay, so hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. So guys, मेरा नाम है करण एंड आज किस नए वीडियो में guys, मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूँ guys, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट. एंड जो guys, ये जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा guys, इसमें guys, आपसे क्या करना है, जो आपका कलर ग्रेडिंग वाला जो पार्ट होगा guys, इस वीडियो में उसको guys, आपको एकदम ध्यान से देखना है. क्योंकि जब तक आप कलर ग्रेडिंग अच्छे से नहीं करोगे तब तक guys, आपकी फोटो एकदम रियलिस्टिक नहीं लगेगी. तो guys, आपको कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट आपको ध्यान से देखना है. एंड guys, जो इस वीडियो में जितने भी रंग पेन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप इजीली वीडियो देखकर इसका डाउनलोड कर सकते हो. एंड guys, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना. एंड अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना. एंड guys, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि guys, अगर आप लोग ऐसी फोटो को एकदम सेम एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम में टैग जरूर करना, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोग कैसी फोटो एडिट कर रहे हो. तो गाइस इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करने के गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को. सो गाइस, उसके बाद आप सभी को करना है गाइस, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में. ऐड फोटो में जाने का देखा, यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है. ठीक है, तो गाइस यहाँ से हम पहले अपने मॉडल का ऐड कर लेते हैं. एंड गाइस, मॉडल को जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है. एंड मैक्सिमम लोगों को इरेज करना आता ही होगा, और नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख लेना. एंड वहाँ से आप इरेज करना सीख सकते हो. ठीक है, तो उसके बाद आप फिर करना, आपको मॉडल को लेने के बाद कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर देना है. देन गाइस, आपको अभी डन नहीं करना है, आपको ऐड फोटो से जाकर आपको अम्ब्रेला का पीएनजी लेना है. ठीक है, अम्ब्रेला का पीएनजी लेने के बाद गाइस, आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सभी कुछ स्टेप्स आपको ऊपर की तरफ ये पीएनजी को रखना है. ठीक है, तो फिर उसके बाद जो आपका मॉडल होगा उसको आपको उसके हिसाब से, जो अम्ब्रेला है उसके हिसाब से आपको आगे की तरफ रखना है अपने मॉडल को कुछ स्टेप से. ठीक है, फिर इतना कर देने के बाद आप सबको फिर यहाँ पे इसका जो मतलब अम्ब्रेला है उसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा. तो पहले हम इसको थोड़ा मॉडल को अच्छे से यहाँ पे आगे की तरफ कर देते हैं. ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ से अम्ब्रेला का पीएनजी को एक बार क्लिक कर देना है, क्योंकि जो हमें बैकग्राउंड इरेज करना है उसके लिए. तो हम यहाँ से अम्ब्रेला का पीएनजी को पहले क्लिक कर लेते हैं. एंड उसके बाद हमें क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे रेजर टूल में. एंड जो उसकी रेजर की हार्डनेस होगी उसको हम यहाँ पे कर देंगे 100%. एंड जो साइज़ होगा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप सबको यहाँ पे फोटो को जूम करना है. फोटो को जूम करने के बाद गाइस, आप सबको कुछ स्टेप्स यहाँ से इरेज कर लेना है. सो ऐसे हम फटाफट से करते हैं. तो गाइस, इरेज करने के बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना, आप सबको जाना है ऐड फोटो में. ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सबको यहाँ से एक ब्लैक कलर की शीट लेनी का, जिससे कि हम यहाँ से अपने जो मॉडल है उसके नीचे शेडो बनाएंगे. तो गाइस, हम इसको सिंपली यहाँ पे ले लेते हैं. एंड इसको आपको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है. एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना, आपको यहाँ पे इरेजर टूल में जाना है. इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस, आपको उसको यहाँ पे इन्वर्ट कर देना है. ब्रश को लेना है. ब्रश को लेने के बाद गाइस, जो साइज़ होगा आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है. एंड यहाँ पे गाइस, आपको अपनी फोटो को यहाँ पे जूम करना है. ठीक है, तो फोटो को हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं. एंड जूम करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे शेडो बनानी फटाफट से. तो यहाँ पे हम शेडो बना लेते हैं पहले, फिर गाइस आपको आगे करना वो मैं बता देता हूँ. सो गाइस, हमारी शेडो भी यहाँ पे बन चुकी है मॉडल के नीचे. तो अब गाइस, यहाँ पे हम इसको डन करते हैं. एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, अब आप सभी को जाना गाइस यहाँ से टूल्स में. फिर टूल्स में जाने के बाद जाना आपको एडजस्ट में. एडजस्ट में जाने के बाद गाइस, आपको जो ब्राइटनेस है इसको आपको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है. फिर गाइस, आपको इरेजर टूल में जाना है. एंड यहाँ से आपको इन्वर्ट कर देना है. ब्रश को लेना है. ब्रश को लेने के बाद गाइस, आपको साइज़ जो है आपको उसमें थोड़ा छोटा रख लेना है. ठीक है, तो साइज़ को छोटा रख लेते हैं. एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है. एंड गाइस, उसके बाद फोटो को जूम करने के बाद आपको कुछ स्टेप से एक पेंट करना है आपको. ठीक है, यहाँ पे एंड एक इस वाले पैर पे करना है. ठीक है, एंड उसके बाद आपको जो शर्ट है यहाँ पे चेस्ट के पास आपको कुछ स्टेप्स ऐसे करना है इन दोनों तरफ. एंड इसके बाद जो ये वाला हैंड हमारा इस वाले पे कर लेते हैं. क्योंकि गाइस, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाइस, जब अभी भी हम कलर ग्रेडिंग करेंगे गाइस, जब देखने का जब हमारी फोटो की जो लुक होगी वो गाइस अलग ही लगेगी आप सभी को. तो अभी हम इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी यहाँ पे 10 तक रख लेते हैं. एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं डन. फिर गाइस, आपको क्या करना, आप सभी को इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है. क्योंकि गाइस, अब करना हमें कलर करेक्शन, तो इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं. एंड इसको यहाँ से लाइट रूम आपको ओपन कर लेते हैं. एंड गाइस, यहाँ पे जो हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा था, हमें आपको जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में. इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा गाइस, आपको उसको बढ़ा देना है. ठीक है, एंड जिसका हाईलाइट होगा गाइस, आपको उसको इंक्रीज कर इसको इंक्रीज नहीं, आपको उसको माइनस करना है थोड़ा सा. ठीक है, वाई जो हाईलाइट है. फिर उसके बाद आपको जो शेडो होगा आपको उसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है. ठीक है, जो मतलब कि शेडो जो वगैरह होगी तो इससे मैनेज हो जाएगा. ठीक है, तो आपको फिर क्या है, ब्लैक है जो गाइस, अब इसको आप कम कर सकते हो. ठीक है, ब्लैक को आप कम कर सकते हो. फिर उसके बाद आपको वाइट थोड़ा सा इसका जो है इसको थोड़ा वाइट कम कर देना है. ठीक है, फिर उसके बाद आपको जाना है ऐसे कलर्स वाले ऑप्शन में. कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको उसका वाइब्रेशन बढ़ा देना है. टेम्परेचर आपको थोड़ा सा कम कर देना है. ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कम करते हैं. एंड जाना आपको गाइस मिक्स टूल में.
फिर यहाँ से आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है। इसका जो सैचुरेशन होगा आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर इतना करने के बाद आपसे को फिर क्या करना है, आपको जाना है डार्क ब्लू में एंड गाइस सॉरी ग्रीन कलर में जाना है। आपको जो ग्रीन कलर अगर बैकग्राउंड में आ रहा होगा तो गाइस आपको इसका सैचुरेशन सीधा माइनस कर देना है। फिर जाना आपको डार्क ब्लू में एंड गाइस डार्क ब्लू में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप कोई भी टोन दे सकते हो, मतलब ब्लू स्काई ब्लू भी दे सकते हो, डार्क ब्लू भी दे सकते हो। फिर आपको डन करके आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन में जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको जो ये शेडो के ऊपर जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड गाइस उसके बाद आपका जो ह्यू है इसको ले जाना है गाइस आपको ब्लू टोन में, ठीक है, ब्लू टोन में ले जाना है। एंड जो इसका सैचुरेशन होगा आपको फिर इसको आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। तो हम इसको 11 तक प्लस कर देते हैं एंड उसके बाद आपको दोबारा दूसरे वाला मिड टोन में जाना है। फिर गाइस यहाँ पे आपसे दोबारा से इसको ले जाना ब्लू टोन में एंड जो इसका सैचुरेशन होगा गाइस आपको इसको फिर इसको इतना इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस अगर आपको इन तीन टूल्स के बारे में अगर आपको पूरी परफेक्ट वीडियो चाहिए एकदम अच्छे तरीके से जिसमें मैं समझाऊँ आपको, तो आप लोग मेरे को गाइस कमेंट कर देना, आपको मैं उसके ऊपर वीडियो बना दे दूंगा, ठीक है। तो बाकी हम इसको इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें इतना कुछ कर लिया, तो देखिए गाइस हमारी जो कलर कलेक्शन है काफ़ी मैच हो गई यहाँ पे, तो बट अभी हमें थोड़ा सा काम और करना है इस फोटो में। तो हम इस पे जाले उसमें जाकर इसकी थोड़ी सी क्लियरिटी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। क्लियरिटी इंक्रीज करने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा विग्नेट डाल देना है अपने हिसाब से, जितना आप चाहो उतना विग्नेट डाल सकते हो। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको हमें मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना है नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद गाइस आपकी जो फोटो की शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। फिर आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा नॉइस रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपको फिर नीचे जाना, फिर आपको मिलेगा कलर नोड रुकना, आपको उसको बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइस ऐसा करता हूँ, आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस अगर आप लोग ऐसी फोटो का एडिट करते हो तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।